नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी की खास पेशकश मौत का जाम में, और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बहुत ही गंभीर समस्या जहरीली शराब को लेकर जो है बनी हुई है, और अब आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले जो मुरैना में लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने एक बार फिर कई घरों को जाड़ दिया है। मुरैना के दो इलाकों में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत के बाद प्रदेश में बवाल मच गया है। इस मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज से सवाल किया है कि आखिर कब तक शराब माफिया यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे। हालांकि इस मामले पर राजनीति तो होनी ही थी, लेकिन दुख इस बात का है कि जहरीली शराब पीने के बाद मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार से अब तक 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसमें 7 मानपुर के पृथ्वी गाँव और असुमा वाले 3 मामले के पावली गाँव के हैं। कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मौत अधिक शराब पीने से हुई या फिर जहरीली शराब पीने से, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इससे पहले उज्जैन में अक्टूबर महीने में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदेश भर में अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया गया था। बावजूद इसके मुरैना शहर से लगे हिस्से में अवैध शराब बिक रही थी और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब मुरैना में हुई मौतों के बाद परिजनों में खासा आक्रोश है। यहां तक कि परिजनों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल तो यही है कि अगर मुआवजा मिल भी जाए तो क्या उजड़े हुए घर फिर बस पाएंगे। आखिर प्रदेश में ये जहरीली शराब का खेल कब तक चलेगा और कब तक लोग मौत की नींद सोते रहेंगे? आखिर प्रशासन कब जागेगा या फिर यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा? शराब पीने से मौत हुई है, अभी किसी भी तरह से स्थापित नहीं हुआ है कि शराब वो जहरीली है, क्योंकि जो पीएम करता चिकित्सक हैं, एफएसएल टीम है, अन्य जो अधिकारी थे, उन सबसे चर्चा के बाद अभी निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो पर कुछ लोगों ने शराब पी थी, ये सही है। शराब उन्होंने कहाँ से क्रय की थी, किस डिस्टिलरी की थी, क्या लॉट था, इसकी हम लोग अभी जाँच चल रही है और इस संबंध में जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। तो अभी तो ये जो तथ्य है कि 10 लोग उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने जो शराब पी है और कुछ जो भी खाना खाया होगा, तो उस सब की फाइनल पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्थापित होगा कि इसका एग्जैक्ट कारण क्या है। तो चलिए, जिस तरीके से ये तस्वीरें मुरैना की देखी, मुरैना और इससे पहले उज्जैन, लगातार ये सिलसिला जारी है। जहरीली शराब बिक रही है और जहरीली शराब पीने के कारण कई लोगों की जान जा रही है। उज्जैन में भी पहले 14 लोगों की जान और अब मुरैना में एक एक करके जो है मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, बढ़ ही रहा है। हालांकि कई अभियान चलाए जा रहे हैं माफियाओं के खिलाफ, लेकिन शराब, जहरीली शराब के खिलाफ कब अभियान चलाया जाएगा या क्यों अभियान नहीं चलाया जा रहा, इसी पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जो है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी और साथ में ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो सवाल यही कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सरकार जो है चौथे कार्यकाल में काफ़ी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम, लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन जहरीली शराब के खिलाफ क्यों किसी तरीके का अभियान नहीं चलाया जा रहा? मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, फिर भी जो है कार्रवाई नहीं की जा रही कोई इस तरीके की कठोर? देखिए पूनम, जो कुछ आपने कहा उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन सबसे पहले अभी हमने सुना था मनोज कुमार शर्मा जो आईजी हैं, उनका कहना था कि अभी ये तो कंफर्म है कि शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन जहरीली शराब थी या नहीं थी या कोई और भी कारण है, तो दो चीज़ें इसमें। अगर शराब जहरीली नहीं थी, किसी दुकान से खरीदी गई थी, अगर किसी सरकारी दुकान से शराब खरीदी गई और जिसमें अगर 10-12 लोगों की मौत होती है, तो ये और बड़ा गंभीर मामला है। दूसरी बात है कि ये मौतें किसी एक क्षेत्र में नहीं हुई, किसी एक थाना क्षेत्र, किसी एक गांव में नहीं हुई है, ये दो थाना क्षेत्र बागचीनी और सुमावली के दो अलग अलग गाँव में हुई है। एक गाँव में खबरें आई है कि रात में कुछ लोगों ने एक पार्टी की थी जिसमें शराब और चिकन परोसा गया था। तो अगर ये मान लिया जाए कि फूड पॉइजनिंग का भी मामला है, तो भी उस गांव में 3 या 4 जो मौतें हुई है वो हैं, लेकिन बची हुई जो मौतें वो अलग अलग गांव में हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो एक लगभग स्थापित सत्य ही है कि ये जो मौतें हुई है वो जहरीली शराब के ही कारण हुई हैं। दूसरी एक बात है जो माफिया की आपने कही है, तो अभी तक हम ये देख रहे हैं कि चाहे पिछली सरकारें हों या कमलनाथ सरकारें हों या शिवराज सिंह सरकार हो,
मुख्यमंत्री जितना निर्देश देते हैं पुलिस या जो सरकारी अमला वो उतना ही काम करता है। हमने देखते हैं मुख्यमंत्री कहते हैं कि भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो तो इंदौर उज्जैन भोपाल जबलपुर जगह जगह बुलडोजर चल जाते हैं, एक्शन होने लगता है। मुख्यमंत्री कहते हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करो, तुरंत हमने देखते हैं कि भोपाल की एक दुकान पर पुलिस छापा मारती है और कहती है कि ये प्रतिबंधित इंजेक्शन बेच रहे हैं। इस एक कार्रवाई के बाद भोपाल में ड्रग माफिया के खिलाफ एक मकान दो मकान तोड़े जाते हैं, कोई रिकवरी जैसी चीज़ या बरामदगी या छापेमारी नहीं होती, कोई चेन सिस्टम पकड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। इंदौर में हमने जरूर देखा है कि ड्रग वाली आंटी की गिरफ्तारी के बाद कई सारे लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश दिल्ली बम्बई तमाम शहरों में उसकी जाँच की जा रही है। भोपाल में या बाकी के प्रदेश के हिस्सों में ऐसा हुआ नहीं है। भिंड मुरैना ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पर जिला प्रशासन खाद अमले पुलिस सबका फोकस केवल और केवल नकली दूध घी मावा पनीर पर बना रहता है। अभी हम देखते हैं कल भी हमने देखा मुरैना में दूध पकड़ा जिसके बारे में कहा गया कि वो सिंथेटिक दूध देगा, यूरिया और दूसरे केमिकल्स से बनाया हुआ है। तो पुलिस का ये और आबकारी विभाग इसके लिए एक आबकारी अमला भी है पूनम, लेकिन वो आबकारी अमला हम देख रहे हैं लगातार। अगर शुरुआत बात करें उज्जैन के पहले कि जब लॉकडाउन में पूरे देश बंद था, शराब की दुकानें बाजार घर बार सड़क सब बंद था, उस समय रतलाम में 10 मौतें हुई थी जहरीली शराब कारण बताया गया था। उसमें नामली है जावरा ऐसे मिला के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 10 मौतें हुई थी। जांच के नाम पर कोई एक्शन हुआ नहीं, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में हम देखते हैं कि उज्जैन में अलग अलग सड़कों पर 14 लोगों की मौत होती है जहरीली शराब से। 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन होता है, 3 को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है जिनके अंडर में पूरा काम चल रहा है। उनमें से एक पुलिसकर्मी की पिछले दिनों ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पुलिस ने लगभग 1500 पन्नों का चालान पेश किया। उस समय भी SP जो मनोज सिंह हैं उनके खिलाफ एक्शन हुआ था, एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी को हटा दिया गया था, SDOP दीक्षित और थाना प्रभारी खारा कुआं मीणा को सस्पेंड किया गया था। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे, 18 गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने 175 गवाह बनाए हैं। लेकिन इसके बाद भी उसके बाद पुलिस ने वहाँ को इस पूरे चेन सिस्टम को पकड़ने का प्रयास नहीं किया और ये पहला मौका नहीं। अगर हम पड़ोस के ज़िले की बात करें हम तो कंजर विस्की पहले एक ज़माने में बिका करती थी राजगढ़, उसके जो आदिवासी जो कंजर बहुल इलाके उस क्षेत्र में जिसको कंजर विस्की कहा जाता था वो पन्नियों में वो बनाते थे बेचते थे। रूटीन कार्रवाई हम देखते हैं भोपाल में, जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए तो हमने देखा अचानक से कि कजली खेड़ा और आसपास के तमाम गांवों में आबकारी विभाग रोज जाता था, कभी कहता था हमने इतना महुए की शराब जब्त कर दी, इतना लाहन नष्ट कर दिया। तो ये वो शराब है जो आदिवासी समाज पारंपरिक रूप से बनाता है और सरकारों ने कई जगह उसको छूट दे रखी है। लेकिन जिस जहरीली शराब की हम अगर बात करें, उज्जैन का हमने मामला देखा था कि स्प्रिट में पानी मिलाकर वो नौसादर और दूसरी चीज़ें मिलाकर पिलाते थे, सस्ती पड़ती थी, आदमी गरीब तबके का आदमी उसको लेता था और ज़्यादा नशे के चक्कर में केमिकल हुआ और ये मौतें हुई। मुरैना में भी हम कुछ देखेंगे क्योंकि एक और चीज़ बात है कि जो मुरैना से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान का इलाका है वहाँ मध्य प्रदेश की तुलना में शराब सस्ती है, तो या तो लोग वहाँ से तस्करी करते हैं या सिंडिकेट जो बन गए शराब माफिया वो नकली शराब बनाता है सस्ती, उससे भी सस्ती वो शराब गांव-गांव में सप्लाई करता है जिसका नतीजा इस प्रकार की घटना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है। उज्जैन की घटना के बाद इसमें एक्शन होना था और कम से कम आबकारी अधिकारियों से जवाब तलब किया जाना चाहिए कि पूरा जब विभाग इसके लिएगा, क्योंकि आबकारी अमला अभी जो हम देखें मध्य प्रदेश में वो ये करता है कि जहाँ शराब ठेकेदार उनको सूचना देते हैं कि ये मेरा प्रतिबंधी है सस्ती शराब बेच रहा है या यहाँ शराब बेच रहा है, तब तो पुलिस और आबकारी अमला कार्रवाई करता है, गिरफ्तारी करता है। कई बार ये होता है कि अगर शराब की मात्रा कम भी हो तो आबकारी विभाग जो है ठेकेदारों से शराब लेता है और 54 लीटर से ज़्यादा का प्रकरण बना देता है ताकि मामला लंबा खींचे, उसको जेल में रहना पड़ेगा, वाहन राजसात हो जाए, ऐसे कई सारे मामले हमने इसे देखे हैं। तो दोनों चीज़ें, या तो वो एक्शन करता नहीं है या एक्शन करता है तो वो ठेकेदारों के हिसाब से करता है, वो इस हिसाब से नहीं करता है जो उसका मूल काम है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक्शन या तो होता नहीं है और होता है तो बिल्कुल नाम मात्र की, यानी कि कह सकते हैं प्रशासन का भी लचर रवैया दिखाई देता है। प्रशासन अगर कोई कठोर कार्रवाई करे तो इस तरह की घटनाओं पर जो है रोक लगाई जा सकती है। ब्रजेश जी कितना सहमत है इस बात से, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि प्रशासन का बहुत ढीला रवैया रहा है क्योंकि उज्जैन की घटना के बाद इस तरीके की घटना फिर से होना है, यानी कि प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं? निश्चित तौर पर पूनम, प्रशासन पे सवाल खड़े नहीं होते होते ही हैं साथ साथ में। आबकारी अमला एक जैसे मनोज जी ने बताया पूरा इसका काम है कि शराब कहाँ अवैध बिक रही है, कौन अवैध शराब निर्माण कर रहा है, किस तरह की शराब बेची जा रही, यहाँ तक कि उसको उसकी वो भी चेक करना पड़ती है कि किस कैटेगरी की है, इसमें कितनी मिलावट है, ये देखना, शुद्धिकरण उसका देखना
कि पीने योग्य है या नहीं है, कोई मिलावट करके तो नहीं कर रहा है, कोई बाटलिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब काम भी आबकारी अमले का देखने का। लेकिन हम देख रहे हैं, जैसे मनोज जी ने बताया कि आबकारी अमला है पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन वो काम किस तरह से करता है, वो ठेकेदारों के सारे पे काम करता है, वो माफिया से उसकी मिलीभगत होती है, वो उन्हीं लोगों पे कार्रवाई करता है जो ठेकेदार उसको सूचना देते हैं, उनको अधिक शराब मात्रा में पकड़वा के उन पर कार्रवाई करता है। ये ठेकेदारों का बीच का जो माफिया का ठेकेदारों का गठजोड़ है, उसमें आबकारी महकमे की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। यदि हम उज्जैन का मामला लें, पिछला जो हुआ था, जो घटना हुई थी, उसमें उज्जैन में किस आबकारी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? क्या आबकारी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब तक उन पर शिकंजा नहीं कसेगा, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, उसी तरह से ये गठजोड़ जो है माफिया के साथ मिलकर विभागों का, उसके अधिकारियों का, और जो लोग नीचे अमला है, जो यदि गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा, इन पर एक्शन नहीं होगा। हमने उज्जैन के मामले की हम उदाहरण के तौर पर लें, तो वहाँ पुलिस वालों पे तो कार्रवाई हुई कि उनकी मिलीभगत से बिक रही थी, लेकिन क्या आबकारी अमले की जिम्मेदारी नहीं थी? उसे पता नहीं होगा कि कहाँ पे शराब बन रही है, कहाँ पे बिक रही है? जिसका पूरा काम ही शराब की धरपकड़ करना है, ये पता लगाना है, उस अमले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस अमले की कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई। तो जब तक इनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक कार्रवाइयाँ और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है कि आबकारी अमले पे आपने क्या कार्रवाई की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उनके गठजोड़ मिलता है, जिस तरह से पुलिस वालों पे आपने बर्खास्त किया, उनको जेल में डाला, तो आबकारी अमले की भी भूमिका होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि इनकी मिलीभगत है या नहीं है। यदि वो गलत काम कर रहे हैं, यदि शराब ठेकेदारों से मिलीभगत करके गलत लोगों को फंसा रहे हैं, उनके साथ देख रहे हैं, हमने देखते हैं पूनम के शराब ठेकेदारों के बाकायदा लठैत चलते हैं गाड़ियों में, जो शराब पकड़ते हैं वो पुलिस को सौंपते हैं, तो ये अनलीगल है एक तरह से। आपका काम नहीं है, शराब ठेकेदारों का काम नहीं है शराब पकड़ना, लेकिन वो किसको पकड़ते हैं कि उनके क्षेत्र में यदि कोई दूसरा शराब बेच रहा है तो उसको पकड़ते हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए, आबकारी अमले को करना चाहिए, वो शराब के ठेकेदार करते हैं, और पुलिस सिर्फ उसमें बाप भाई लूटते हैं कि हमने पकड़ा है, और शराब के ठेकेदार जो कम मात्रा में मिली है उनके क्षेत्र में दूसरा बेच रहा है, उसके पास अधिक मात्रा में 52 लीटर की बना देते हैं, ज़्यादा शराब रखवा देते हैं अपने पास से, वो ताकि उसकी जमानत ना हो, और जिस संसाधन से वो शराब तस्करी कर रहा है वो रास्तसाथ हो जाए। तो कानून का किस तरह से खुला उल्लंघन करते हैं ये लोग मिलीभगत करके। तो ये जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, रतलाम में घटी, उज्जैन में घटी, और अब मुरैना में घटी, कल को कोई दूसरे शहर में घटेगी, किसी दूसरे जिले में घटेगी, जब तक इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, शराब बेचना, आप शराब सरकार लगातार बेच रही है, यदि शराबबंदी की हम बात करें, कि शराबबंदी भी इसका कोई समस्या का हल नहीं है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश से पड़ोसी राज्य हमारा गुजरात, यहाँ शराबबंदी है, तो सबसे ज़्यादा तस्करी वहाँ होती है। तो तस्करी के लिए जिम्मेदार एक तो तस्कर है, वो तो अपराधी है, अपराध कर रहा है, उसको पकड़ना आपका काम है, लेकिन यदि उसके साथ आप मिलीभगत कर रहे हो, जिनको पकड़ने की जिम्मेदारी है, उन पर उनसे ज़्यादा सख्त एक्शन होना चाहिए। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल सख्त एक्शन की यहाँ पर ज़रूरत है, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बिल्कुल जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए। मनोज जी, कितना जो है सहमत हैं आप इस बात से, क्योंकि जिम्मेदार जो बैठे हैं वो इसी चीज़ के लिए बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात की जाए, आबकारी विभाग की बात की जाए, इन्हीं का रवैया जो है ढीला है, और इसके कारण अपराध जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पूनम, जो कुछ ब्रजेश जी ने कहा वो एकदम सत्य है 16 आने, क्योंकि जिम्मेदारी आप जब तक तय नहीं करेंगे, जैसे हमने बताया उज्जैन में पुलिसकर्मी बर्खास्त हो जाते हैं, पुलिसकर्मी एसपी का एडिशनल एसपी का ट्रांसफर हो जाता है, सीएसपी थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आबकारी अमले के खिलाफ कार्रवाई क्या होती है? मैं दो एक उदाहरण बताऊँ आपको। आलोक खरे सहायक आबकारी आयुक्त के छापे पड़ते हैं, ये कहा जाता है कि 100 करोड़ की संपत्ति उनके पास मिली है, भोपाल में और आसपास के ज़िलों में उनके आलीशान आया, ऐसे ऐसे उनके जो चीज़ें मिली थी, जिस पे जो छापेमार टीम की थी आंखें फटी की फटी रहेगी। लेकिन होता क्या है, उससे उनको और बेहतर जिम्मेदारी मिल जाती है। पराक्रम सिंह चंद्रावत आबकारी अधिकारी हुए, छोटे से 3 साल पहले अप्रैल 2019 में उनके छापा पड़ा था, करोड़ों की अघोषित आय मिली थी उनके यहाँ। अब जाकर पुलिस विभाग को या लोकायुक्त को उनके खिलाफ चालान की अनुमति मिली, इससे आप अंदाज लगाइए कि लगभग 2.5 साल तक 3 सरकारें निकल गई। बीजेपी सरकार में छापा पड़ा था, बाद में कांग्रेस की सरकारें आई, और फिर बीजेपी की सरकार को आए भी 9 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। अब जाकर के उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिली है, और ये वो ठेकेदार छोटे छोटे अधिकारी हैं जिनके यहाँ संपत्ति करोड़ों अरबों की मिली है। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि इस विभाग में आप कितना ज़्यादा घालमेल है, या कहें कि करप्शन है।
हम बात करें अगर कि पिछले जब धार का एक आईडियो रिलीज हुआ था, जब आपका अधिकारी बात करते हैं, विधायक उनसे कहता है कि मुझे 1,00,000 रुपया चाहिए, उस अधिकारी पे एक्शन ये होता है कि उसको एक जिले से हटाया जाता है और उसको 7 जिलों को उड़नदस्ता प्रभारी बना दिया जाता है। तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार उसको दंड दे रही है या उपकृत कर रही है। कई सारे जो आबकारी अधिकारी जैसे ब्रजेश ने कहा, वो सीमावर्ती जिलों में पोस्टिंग चाहते हैं या उन जिलों में जहाँ पर डिस्टलरियाँ होती हैं, जैसे झाबुआ की बात करें हम या अलीराजपुर जो गुजरात बॉर्डर पर है, वहाँ पे कई शराब की दुकानें, छोटे छोटे जो दुकानें वो करोड़ों रुपए में जाती है। उसका बड़ा कारण ये है कि वहाँ से जो पूरे गुजरात में अवैध शराब की सप्लाई होती है, क्योंकि गुजरात में शराबबंदी है। अगर हम बात करें राजस्थान बॉर्डर की बात करें, महाराष्ट्र बॉर्डर की बात करें, छत्तीसगढ़ बॉर्डर की बात करें, तो ये वो एरिया और जहाँ डिस्टलरियाँ हैं वहाँ पर, हम भोपाल की बात करें तो जहाँ डिस्टलरियाँ हैं वहाँ पर पोस्टिंग के लिए एक तरह से बहुत पॉलिटिकल प्रेशर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ कमाई इतनी ज़्यादा है डिस्टलरियों के माध्यम से। क्योंकि कई बार होता है कि जो आबकारी अधिकारी है उनकी मिलीभगत से शराब की तस्करी की जाती है, अगर पकड़े जाते हैं तो ठेकेदार या ट्रक चालक पर केस बना दिया जाता है, और अगर शराब निकल गई, वैसे तो इतनी उतने सुनियोजित तरीके से कामकाज होता है कि जो बड़ी मगरमच्छ है उन पर कभी आँच नहीं आती, और छोटी मोटी गाज गिरती है तो ड्राइवर क्लीनर है या एक आदमी को मुलजिम बना दिया जाता है, बाद में कागज़ पत्रों में दिखा दिया जाता है कि शराब तो सही है, सही ठिकाने पे जा रही थी, और असली गुनाहगार बच जाते हैं। तो जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक आप जब रियल टाइम में मॉनिटरिंग की सब आपके पास व्यवस्था है तो डिस्टलरियों में भी आप कर दीजिए, शराब दुकानों में आप कर दीजिए। दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है पूनम, कि हमने देखा है कि जब मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों का सरकार से विवाद चला कि जिन लोगों ने पहले ठेके लिए इसके बाद लॉकडाउन लग गया, बाद में सरकार पर वो दबाव डाल रहे थे कि शर्तें बदले, लेकिन ये मामला हाईकोर्ट तक गया लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। बाद में जिन शराब ठेकेदारों ने ठेके लिए तो कई जगह ये खबरें आई हैं कि वो MSP से ज़्यादा शराब महंगी बेच रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान या सीमावर्ती जितने राज्य हैं, सबसे महंगी पेट्रोल डीजल और शराब मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर तस्करी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आसपास के राज्यों से तस्कर जो है शराब सस्ती लाते हैं और मध्य प्रदेश में बेचते हैं। तो अब MSP से ज़्यादा दुकानों पर और ज़्यादा लूट मची हुई है। तो यही कारण है कि जो गरीब तबका है जिसका रोज़गार चला गया, वो शराब के शौक पूरे करने के लिए फिर इन शराब माफियाओं के भरोसे रहता है, और ये शराब माफिया उनको जहरीली शराब बनाकर पिलाते हैं, जिसका नतीजा कभी हम देखते हैं रतलाम जैसी घटना होती है, उज्जैन जैसी घटना होती है, मुरैना जैसी घटना होती है। पूनम जी, ब्रजेश जी बिल्कुल सही बात जिस तरीके से कही है, हालांकि अब जो है रास्ता कोई दिखाई नहीं देता है, अगर इस तरीके की जहरीली शराब लगातार बिकती रहेगी प्रशासन अगर नहीं जागेगा। कुछ सवाल थे ब्रजेश जी के। मनोज जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आबकारी नीति में कमी है कहीं ना कहीं। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में भी आपके पड़ोसी जिले में दूसरे दामों पर शराब मिल रही है, भोपाल में दूसरे दामों पर मिल रही है, तो इससे तस्करों को बढ़ावा मिलता है एक जिले से दूसरे जिले में शराब तस्करी करने का। तो इसमें नीति में ही कोई बदलाव होने की जरूरत महसूस नहीं होती क्या? बिल्कुल रहना चाहिए। देखिए, हमने जब देखा था ब्रजेश जी, आपको भी याद होगा कि शराब की बॉटल जो बोतल है उस पर आप रेट नहीं लिखने लगे कि MSP कि इतनी अधिक और इतनी से कम में आप नहीं बेचेंगे। पहले हम देखते थे कि सिंडिकेट जो था वो मनमाने दामों पर कई बार नीचे कम कीमत पर शराब बेचता था। और जो आप कह रहे हैं कि अगर हम पड़ोसी जिले में चले जाएँ, अगर हम अनादि टीवी के 10 किलोमीटर स्टूडियो जाएँ तो रायसेन जिला लग जाता है, वहाँ पे शराब के रेट कुछ हो रहे हैं, भोपाल में शराब के रेट कुछ हो रहे हैं, और गांव में वही माफिया, वही सिंडिकेट ने अपने लोग बिठा दिए जो दूर दराज के गाँव में तक सप्लाई करने लगे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं आबकारी नीति में परिवर्तन की बात है, निश्चित तौर पर होना चाहिए, सरकार को नए सिरे से बात करना चाहिए इसमें उन तमाम लोगों, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि शराबबंदी नहीं कर सकते, लेकिन वो शराब के खिलाफ सप्ताह मनाया जाता है कि आप शराब ना पीजिए, नशा मुक्ति केंद्र मध्य प्रदेश सरकार में सरकार ने खोल रखे हैं। तो अगर आप दोनों काम करवा रहे हैं, आप नशा भी करवा रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रहे हैं, तो कोई एक लाइन पे अगर आप चले जाइए या आप कहिए कि शराबबंदी करेंगे, तो जब इसकी बात आती है तो फिर सरकारें कहती है कि इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, तो ये नहीं कर सकते हैं। तो आधा अधूरा जो सरकार के संकल्प हैं, और ख़ासतौर से ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी सरकार को प्रपोजल दे के बताती है कि आप मध्य प्रदेश का हित में अच्छा है, इससे ज़्यादा हम कमा सकते हैं, जबकि हो ये रहा है कि इसके कारण जो सीमावर्ती राज्य से जुड़े हुए हैं वहाँ पर शराब की तस्करी इतनी बढ़ गई कि जो ठेके हैं वो सस्ते जाना पड़ते हैं, लोग ठेका लेने को तैयार नहीं होते, और जिसका नुकसान सरकारों को होता है। तो ये एक दूसरा पक्ष भी है इसका। निश्चित तौर पर राजस्व की कमी तो आती है, और मध्य प्रदेश में और कोई संसाधन नहीं है, तो शराबबंदी एक समस्या का क्या लगता है आपको समाधान है? यदि शराबबंदी करेंगे, जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादा मामले सामने आते हैं, ज़्यादा तस्करी होती है, तो ये कोई समस्या का समाधान है क्या शराबबंदी? नहीं, समस्या का समाधान नहीं, लेकिन सरकारों को सोचना होगा कि इसका वैकल्पिक उपाय क्या है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। हम
हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दुकानें बंद होने का समय सबसे ज़्यादा है, 11:30 बजे तक दुकानें खुलती है। राजस्थान की हम बात करें, वहाँ दुकानें 8 बजे बंद हो जाती है, लेकिन वहाँ उनके जो सरकार का रेवेन्यू उसमें कमी नहीं आई है। सरकार का वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं तो जो सड़कों पर हम देखते हैं कि भोपाल या मध्य प्रदेश के किसी कोने में 11:30 बजे तक तो 12-1 बजे तक शराबियों का कई जगह जमावड़ा रहता है। हमारे यहाँ सिस्टम वो रहेगा कि आता सिस्टम भी है शराब की दुकानों के बगल में, कि जिनको शराब पीना आते पिए, वो आदमी अगर 11:30 बजे शराब पीकर निकलता तो एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो जाती हैं। सड़कें सूनी होती है तो ऐसी स्थिति में उसको इलाज जल्दी नहीं मिल पाता है। उतनी रात तक अगर कोई महिला निकलती है तो हमने देखा भोपाल में कई सारे केस ऐसे भी आए जो नशे की जो वारदातें हुई हैं वो देर रात हुई है। तो अगर 8 बजे आप दुकानें बंद कर देते हैं कम से कम, तो एक आदमी है कि आदमी 9 बजे तक घर चला जाएगा, उस समय चहल पहल रहती है। तो ये जो महिलाओं के प्रति अपराध है या उसकी खुद की जो दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस है वो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। तीसरी एक बात है कि रेवेन्यू की बात है, तो जिनको शराब पीना होती है, अगर आप हम देखते हैं कि ड्राई डे होता है तो उससे एक दिन पहले आदमी स्टॉक लेकर रख लेता है, ड्राई डे के दिन भी वो कहीं ना कहीं से जुगा, हमने देखा जैसे हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की जिसमें तो दुकानें ही बंद थी, तब भी लोगों ने भले जहरीली शराब खरीदी पी, तो वो जो पीने वाला है वो अपनी सब व्यवस्था कर लेता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसकी पहली प्रायोरिटी लोगों की जान माल की सुरक्षा है या राजस्व की प्राप्तियाँ हैं। देखिए क्या है कि जैसे शराब के बारे में सरकार ने कई बार पहले किया है, जैसे धार्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी से वो शराब की दुकानें उनने 5 किलोमीटर बाहर कर दी, लेकिन उस शराब बिक्री पे कोई वो नहीं लगा, शराब लगातार वहाँ बढ़ रही है। उसकी बिल्कुल आप होशंगाबाद आप बेहतर बता पाएंगे। होशंगाबाद में मैंने देखा है पूनम कि जब शराब की दुकान शहर से 5 किलोमीटर बाहर कर दी, तो जिस तरह हमारे यहाँ पूरे देश में क्या मध्य प्रदेश में सब जगह आप भी जानते हो दूध की होम डिलीवरी होती है, दूध वाला आता है सुबह देता है, शराब की होम डिलीवरी होने लगी वहाँ। आप फ़ोन लगाइए आपको 10-20 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे, आपके घर में शराब पहुँचा देंगे। तो ये भी एक उसका दुष्परिणाम देखने को आया है कि लोगों को आप दूरी भले ही कर दोगे शराब से, जिसी तरह प्रतिबंध यदि आप लगा दोगे तब भी शराब मिलेगी। जैसे मनोज जी ने बताया कि ड्राई डे रहता है, जिस दिन बंद रहती है सर्वाधिक खपत होती है उस दिन, तो क्यों होती? तब जब आप प्रतिबंध लगाते हो किसी चीज़ पर तो उस पर ज़्यादा जिज्ञासा होती है लोगों को, ज़्यादा दिन उस दिन जिस छुट्टी रहती है ड्राई डे के दिन, तो आदमी सोचता है पिकनिक मनाने जाएंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और मैं पार्टी करेंगे, तो उस दिन ज़्यादा खपत हो जाती है। तो या तो आप उसके आपको नियम ऐसे बनाना पड़ेंगे कि आप जैसे मनोज जी ने कहा कि राजस्थान में सख्ती करना पड़ेगी, उनको राजस्थान की तर्ज पर आना पड़ेगा, आपको 8 बजे बंद हो जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप शराब चेकिंग करते हैं सड़क पर, लेकिन आते 11 बजे तक खुले हैं शराब की दुकान, आप खरीदने की छूट दे रहे हैं आप उनको और वहीं पीने की अनुमति दे रहे हैं, तो गाड़ी से ही जाएगा ना। या तो आप उसको घर तक पहुंचाने की सुविधा दे सरकार, या फिर अहाते जैसा सिस्टम बंद कर दे। जिन होटलों में जैसे बार का सिस्टम है कि यदि वहाँ पे कमरे होंगे, रात में कोई शराब पिएगा तो वो रुकेगा, तब आपको बार का लाइसेंस दिया जाएगा। फिर आते क्यों खोल रहे हो आप? आते में कोई जाएगा शराब लेने तो वहाँ पिएगा ही ना, शराब की दुकान से लेगा, आते में बैठेगा पिएगा, फिर आप उसका चालान बना रहे हो। तो ये दोहरी नीति है, इसमें एक नीति बनाने की जरूरत है और सख्ती करने की जरूरत है। पूनम जी, ब्रजेश जी, मनोज सर, आप दोनों से ही मेरा एक सवाल ये कि जिस तरीके से जो है हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, अगर जिस आपराधिक मामले बड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं फिर कानून, कठोर कानून ऐसे लाए गए, कठोर कानून का प्रावधान किया गया, कि यहाँ पर भी कठोर कानून की जरूरत महसूस की जा रही है जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है? देखिए पूनम, कानून तो पहले से ही है, लेकिन जैसा हमने कहा, ब्रजेश जी ने भी कहा कि आप उसको जो जिनको उसका इम्प्लीमेंट करना है बिल्कुल वो उनका पास एक पूरा अमला होता है और साथ में पुलिस उनकी मदद के लिए होती है, तो क्यों ना उनकी वो मदद लेते हैं। तो होता है ये कई बार कि जब टकराव दोनों में हो जाता है, आबकारी विभाग चाहता है कि सेलेक्टिव कार्रवाई हो, पुलिस विभाग के पास जो सूचना होती है पुलिस विभाग उस हिसाब से कार्रवाई करता है। कई बार ठेकेदारों से दोनों के अच्छे मधुर संबंध होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये पुलिस और आबकारी ये कार्रवाई उनके हित में करें, यानी वो बता दें कि इस दुकानदार के या इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन कर लीजिए, हम ये बता दें कि कैसी कार्रवाई कर लेना चाहिए। तो आपको कानून के हिसाब से अगर जिस दिन कार्रवाई होने लग जाएगी, अगर सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, तो इस प्रकार की घटनाओं पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। उन्होंने हम देखते हैं सब अधिकारी से लेकर सरकार तक जानते हैं कि कैसे गठजोड़ काम करता है, एक बंदी सिस्टम चलता है, थाने स्तर पर बंदी होती है शराब ठेकेदारों की और एक आबकारी अमले पर होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो जिनाइन कार्रवाई होती है होना चाहिए वो नहीं होती है। यदि हम भोपाल की बात लें कि पिछले दिनों बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई, तो वो शराब कैसे पकड़ी गई? वो शराब ये कि दूसरे जिलों से यहाँ आके तस्करी की जा रही थी। कौन ने पकड़वाई शराब? ठेकेदारों ने पकड़वाई। तो यदि हम आंकड़े देखें पुलिस के आबकारी अमले के, तो वो आंकड़ों में हमें लगेगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत मात्रा में शराब पकड़ाई गई है और इतने लोग गिरफ्तार हो गए, जबकि हकीकत उससे वो नहीं है। ओरिजिनल तस्कर नहीं पकड़ाते, तस्कर तो ठेकेदार खुद पालते हैं, वो अपने हाथ से शराब दूसरे के क्षेत्र में बिकवाते हैं। तो जब तक ये गठजोड़ खत्म नहीं होगा तो इस तरह की घटनाओं पे लगाम नहीं लग पाएगी। जी,
चलिए ब्रजेश जी, मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल, जो है जहरीली शराब के कारण ना सिर्फ रतलाम, उज्जैन और अब मुरैना में तेजी से जो है मौतों का सिलसिला बढ़ रहा है। जहरीली शराब पर लगाम नहीं लग पा रही। कहीं ना कहीं हमने इस चर्चा में जाना कि प्रशासन का ढीला रवैया, आबकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा रहा है। कार्रवाई होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्रवाई सिर्फ दिखावे की रहकर साबित हो जाती है। कुछ महुआ लहान नष्ट कर दिया, कुछ जगह शराब पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद मामला धीरे धीरे समय के साथ साथ ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर इसी का नतीजा होता है कि बार बार जो है इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और पहले भी हमने देखा उज्जैन में भी मौतों का सिलसिला लगातार जो है बढ़ा और अब मुरैना में भी एक एक करके मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं सख्ती बरतने की ज़रूरत है। कानून है लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट और जिम्मेदार जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से तय करनी होगी, निभानी होगी, तभी मौतों के सिलसिले, मौतों के आंकड़े थम पाएंगे। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।